हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के एक और फ्रेश वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 17वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 16 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें मिलने वाला दोस्तों आपको 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले दोस्तों इन सभी पार्ट में दोस्तों। और ये राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि ये लुसेंट राजस्थान जीके का बिल्कुल निचोड़ बना के इस वीडियो को बनाया गया दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शहर से संबंधित है बनी ठनी पेंटिंग शैली। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोडावन है राज्य पक्षी का नाम। नेक्स्ट है, जीर्ण माता मंदिर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीकर में स्थित है जीर्ण माता मंदिर। नेक्स्ट है, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जिले में स्थित है महारानी कॉलेज। अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए महाराजा कॉलेज कहाँ स्थित है, तो महाराजा कॉलेज भी जयपुर में ही स्थित है महारानी कॉलेज के सामने। नेक्स्ट सुने, बीकानेर में राठौरान रिख्यात के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दयाल दास है बीकानेर के राठौरान री ख्याल के लेखक। नेक्स्ट सुने, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाली भाषा बोली जाती है भारत में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है, मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशनगढ़ है जिसे मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, श्री तेजाजी धाम सुरसुरा किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर जिले में स्थित है सुरसुरा धाम तेजा जी का। नेक्स्ट है, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांकरोली में स्थित है टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में। नेक्स्ट है, तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बूंदी में स्थित है तारागढ़ किला। नेक्स्ट है, भरतपुर का संबंध किस राजघराने से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाट राजघराने से संबंधित है भरतपुर रियासत। नेक्स्ट है, जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सागरमल गोपा ने लिखा है जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक। नेक्स्ट है, मीराबाई के पति का क्या नाम है था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, भोजराज था पति का नाम मीराबाई के। ने विश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाम्बूजी थे विश्नोई समाज के संस्थापक। नेक्स्ट ने, शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गीदड़ नृत्य है जो कि शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट ने, शैल चित्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरदड़ा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं शैल चित्र। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र अंत गोचर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर क्षेत्र को जाना जाता था अनंत गोचर क्षेत्र के नाम से। नेक्स्ट है, सांभर में चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव को कहा जाता है चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट है, रूठी रानी उमादे के पति का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राव मालदेव था रूठी रानी उमादे के पति का नाम। नेक्स्ट है, मारवाड़ राज्य का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोटा राजा उदय सिंह ने स्थापित किए थे मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध। नेक्स्ट है, बीकानेर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1488 ईस्वी में हुई थी बीकानेर की स्थापना। नेक्स्ट है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत
खो देता, यह वाक्य किस शासक का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी का ये वाक्य है। नेक्स्ट ने गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागदा थी प्रारंभिक राजधानी गुहिल वंश की। नेक्स्ट ने जयपुर शहर को गुलाब रंगवाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम सिंह राजा को जाता है जयपुर को गुलाबी रंग रंगवाने का श्रेय। नेक्स्ट ने बुद्धि प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री कांतिलाल की अध्यक्षता में हुई थी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट ने केसरी सिंह भारत का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा जिले में हुआ था केसरी सिंह भारत का जन्म। नेक्स्ट ने बाड़ी का युद्ध सन 1519 में किस किस के बीच लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था बाड़ी का युद्ध 1519 ईस्वी में। नेक्स्ट ने महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदा ने की थी महाराणा कुंभा की हत्या। नेक्स्ट ने पूर्वी राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, युगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है दूसरा जवाहरलाल नेहरू पूर्वी राजस्थान का। नेक्स्ट ने जोधपुरा सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर जिले में स्थित है जोधपुरा सभ्यता स्थल। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रांगदन मौर्य ने करवाया था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट ने भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराजा सूरजमल ने करवाया था भरतपुर में दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट ने जालोर दुर्ग का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमार वंश के द्वारा करवाया गया था जालोर दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट ने दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था दुर्गादास राठौड़ ने। नेक्स्ट ने दुर्गादास राठौड़ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ राज्य से संबंधित है दुर्गादास राठौड़। नेक्स्ट, किस जिले में बीकमपुर का दुर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, झालावाड़ में स्थित है बीकमपुर का दुर्ग। नेक्स्ट है, राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर जिले में स्थित है जूनागढ़ दुर्ग, जो कि राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट ने कालीसिंध व आहू नदियों के संगम स्थल पर गागरौन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोड परमार ने करवाया था गागरौन दुर्ग का निर्माण कालीसिंध और आहू नदियों के संगम स्थल पर। नेक्स्ट ने राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूरू का किला फेमस है जहां पर गोला बारूद खत्म होने पर इन्होंने चांदी के गोले दागे थे। नेक्स्ट ने राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलवर जिले में स्थित है बाला दुर्ग। नेक्स्ट ने राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालोर दुर्ग को जाना जाता है कांचनगिरी के नाम से। नेक्स्ट ने अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा क्रूफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था अमीर खुसरो ने कि आज क्रूफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। नेक्स्ट ने निम्न में से मरुकेसरी किसे कहा जाता है? तो
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है मरु केसरी के नाम से। नेक्स्ट है, शेखावाटी के ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशोरी देवी के नेतृत्व में लिया था शेखावाटी के कटराथल के अंदर अप्रैल 1934 में हजारों जाट महिलाओं ने भाग लिया था आंदोलन में। नेक्स्ट है, वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राव चंद्रसेन ने दिया था जंगल और पहाड़ियों को अधिक महत्व दिया था दुर्ग के स्थान पर। नेक्स्ट है, राय सिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़ के किले में स्थित है राय सिंह प्रशस्ति। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का जन्म किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। नेक्स्ट है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राय सिंह को सुपुर्द किया था जोधपुर दुर्ग 1570 की नागौर यात्रा के दौरान। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराणा कुंभ था जिसने सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा। नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजय पाल ने की थी अजमेर दुर्ग की स्थापना 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ पर उत्कीर्ण 3 अभिलेखों की स्थापना करता कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीजा शाह था जिसने 3 अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे कीर्ति स्तंभ पर। नेक्स्ट है, सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि गागरौन के दुर्ग में स्थित है, इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने करवाया था संत हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि का निर्माण। नेक्स्ट है, गागरौन का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोड राजा बीजलदेव ने करवाया था गागरौन के दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे प्रमुख जल दुर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गागरौन दुर्ग है जो कि प्रमुख जल दुर्ग है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गागरौन का दुर्ग किन नदियों के तट पर बना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आहू और काली सिंध नदियों के तट पर बना है गागरौन का दुर्ग। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस दुर्ग में मीठे शाह बोले तो सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गागरौन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है मीठे शाह की दरगाह। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस दुर्ग को गुलरगढ़ व डोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, गागरौन दुर्ग को जाना जाता है गुलरगढ़ और डोडरगढ़ दुर्ग के रूप में भी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कटार दुर्ग स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है कटारगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है, मयूर ध्वज के नाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है मयूर ध्वज के नाम से। क्वेश्चन है, निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में हुई थी जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना।
नेक्शन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोक चंद महातुर के द्वारा की गई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट ने 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलवंत सिंह था प्रथम अध्यक्ष मेवाड़ प्रजामंडल का, जिसका गठन हुआ था 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट ने सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1938 ईस्वी में बने थे सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष। नेक्स्ट ने निम्न में से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई एवं उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1938 में हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना और बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट ने वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलवर राज्य में चलाया गया था सुअर विरोधी कानून आंदोलन 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट ने बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1897 ईस्वी में शुरू हुआ था बिजोलिया आंदोलन। नेक्स्ट ने निम्न में से बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था बेगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट ने शेखावाटी के ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशोरी देवी के नेतृत्व में भाग लिया था शेखावाटी के कतराथल से अप्रैल 1934 ईस्वी में हजारों जाट महिलाओं ने भाग लिया किसान आंदोलन में। नेक्स्ट ने 21 जून 1908 चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था मातृकुंडिया स्थान से। नेक्स्ट ने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग का वर्धमान विद्यालय जयपुर के जिस विद्यार्थी ने बम फेंका वह कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, जोरावर सिंह ने बम फेंका था। नेक्स्ट ने 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन मॉक मेसन की हत्या की गई थी 1857 में आउवा में। नेक्स्ट ने निम्न में से दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1582 ईस्वी को हुआ था दिवेर का युद्ध। नेक्स्ट ने अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राय सिंह को सुपुर्द किया था। नेक्स्ट ने निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1527 ईस्वी के अंदर हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध। नेक्स्ट ने आसमन झील का निर्माण महाराणा राज सिंह कब करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1662 ईस्वी के अंदर कराया था महाराणा राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण। नेक्स्ट ने दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रावण को अपनी नई राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध के पश्चात। भारत में राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान राज्य की बीज नीति कब घोषित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अगस्त 1994 ईस्वी में घोषित की गई थी। दूसरी खनिज नीति राजस्थान की। राजस्थान में किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाली जिले में स्थित है रणकपुर जैन मंदिर। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका, दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विमल शाह ने करवाया था आदिनाथ मंदिर का निर्माण दिलवाड़ा में। नेक्स्ट है, राजस्थान में त्रिपुरी का प्राचीन मंदिर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा में स्थित है त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर। नेक्स्ट है, निम्न में से कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होता है कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ के पार्श्वनाथ के मंदिर भारतीय आचार्य भरतपुरी आचार्य के उपदेश से किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, जैतल देवी ने करवाया था पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण भरतपुरी आचार्य के निर्देश पर। नेक्स्ट ने, अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं गोल बौद्ध मंदिर और स्तूप। नेक्स्ट ने, राजस्थान में किस दुर्ग में विजय मंदिर स्थित है? तो इसका करेक्ट, विजय मंदिर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बयाना के निकट पहाड़ी पर जो दुर्ग है स्थित है उसके अंदर स्थित है विजय मंदिर। नेक्स्ट ने, 8वीं व 10वीं सदी में बने मंदिर व आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर एवं मत्स्य राजा के मंदिरों में किस स्थापत्य शैली का उपयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महामारू शैली का प्रयोग हुआ है हर्ष माता के मंदिर और मत्स्य राजा के मंदिरों में। नेक्स्ट ने, दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर विमल शाही का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, सफेद मार्बल का प्रयोग हुआ है विमल शाही मंदिर में। नेक्स्ट ने, आबू रोड में तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन संत नेमिनाथ की प्रतिमा विराजित है तेजपाल मंदिर में। क्वेश्चन है, निम्न में से रायसिंह प्रशस्ति 1593 का रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैन मुनि जयिता है जिसने लिखा है रायसिंह की प्रशस्ति। नेक्स्ट के किस अभिलेख में चार प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओसिया लेख 956 ईस्वी से प्राप्त होती है चार प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी। नेक्स्ट है, सन 1929 में माँ किसको में आयोजित भारत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने वाली जोधपुर की मांड गायिका कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौरी बाई है जिसने अपनी मांड गायिका की पुस्तकी प्रस्तुति दी थी कहाँ पर? रूस के अंदर माँ किसको के अंदर आयोजित भारत महोत्सव में। नेक्स्ट ने, राजस्थान राज्य के बाद 1 जनवरी 1956 को राज्य में कितने जिले थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिलों की संख्या 26 थी जब राजस्थान राज्य का गठन हुआ था 1 जनवरी 1956 को। नेक्स्ट ने, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था राजस्थान का एकीकरण। नेक्स्ट ने, कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19 देशी रियासतों को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट ने, 2011 की जनगणना में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर जिले का लिंगानुपात सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट ने, 2011 की जनगणना के अनुसार
राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगानगर जिले में रही है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर जिले में रही है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.86 करोड़ है राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1981 ईस्वी में घोषित किया गया था राज्य पक्षी गोडावन को। नेक्स्ट है, नलियासर से आहत मुद्राएं इंडो ग्रीक सिक्के एवं गुप्तकालीन चांदी के सिक्के के साथ साथ 105 तांबे की मुद्राएं भी मिली है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, सांबर जयपुर में स्थित है नलियासर, जहाँ से आहत मुद्राएं इंडो ग्रीक सिक्के और गुप्तकालीन चांदी के सिक्के के साथ साथ 105 तांबे की मुद्राएं भी मिली है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है, जो कि सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी पशु चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1981 ईस्वी में घोषित किया गया था राज्य पशु चिंकारा को। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1981, मतलब पशु की बात हो या पक्षी की बात हो, दोनों को 1981 में ही घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1070 किलोमीटर है जो सीमा राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में लगती है। से सरिस्का अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1990 के अंदर दिया गया था राष्ट्रीय पार्क का दर्जा सरिस्का अभयारण्य को। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1987 1988 ईस्वी में पड़ा था सबसे भीषण अकाल। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का गीया पत्थर के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला स्थान है राजस्थान राज्य का गीया पत्थर के उत्पादन में। नेक्स्ट है, कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 मार्च 1948 को शामिल किया गया था कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में। नेक्स्ट है, नीमराणा चीफशिप मत्स्य संघ में कब शामिल हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 मार्च 1948 को शामिल हुई थी नीमराणा चीफशिप मत्स्य संघ में। नेक्स्ट है, लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1948 को शामिल किया गया था लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा में उद्घाटन किया गया था राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को। नेक्स्ट है,
राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, सिरोही आबू दिलवाड़ा तहसील मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनेल टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में कब मिलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को आया। नेक्स्ट है, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नव परिवर्तित कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1934 ईस्वी में की गई थी जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना।